का कैसा शो? हाँ नहीं, मैं तो वो फर्मेंटेशन कर रहा हूँ अपने, तो देसी इलाज कर उसमें रहे और सुमित जी और ज्यादा जल जाएंगे। अच्छा हाँ, वो थोड़ा ज्यादा, फिर वो एकदम ही सेलिब्रिटी वाला स्टाइल हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली बताएं सर। एनीवे सर, आज एक अच्छा स्टॉक लाया हूं और जबरदस्त मल्टीबाय कर रहा है, और वो है TCPL पैकेजिंग लिमिटेड। TCPL यानी कि 20th सेंचुरी, TCPL वैसा, और अब इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, एक बेहतरीन कंपनी। इनफैक्ट इस कंपनी को जब भी दिया टारगेट्स तो अचीव हुई हैं, और अभी भी ऐसा लगता है कि टारगेट्स अचीव होंगे, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम है, जिस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं, जो ग्रोथ नंबर्स है और जो इनके प्लान्स है, मतलब ऑपरेशनल अपडेट्स में देख रहा था इनके कॉन कॉल नोट्स में, तो ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज ये लोग बढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी अच्छे खासे इनके प्लांट्स है अक्रॉस इंडिया, जहाँ मतलब सिलवासा, गोवा, गुवाहाटी, हरिद्वार, ये सब में। तो अब एक बार मैं टारगेट दे दूँ, 4030 का टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और बैकग्राउंड अब बताते क्या करती है कंपनी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फोल्डिंग कार्टन्स, और इंडिया का लार्जेस्ट स्टैंडअलोन कन्वर्टर है पेपर बोर्ड का, जो इनकी कंपनी के वेबसाइट से देख के इन्होंने जो क्लेम किया है। और अच्छा खासा ये लोग के क्लाइंटिल लिस्ट है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, क्योंकि और क्लाइंटिल भी ऐसे हैं कि सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि आप सिगरेट के बॉक्सेस, लिकर के, टोबैको के, फूड पैकेजिंग के, तो ये सब बड़े हॉट सेक्टर्स है, और यहाँ पे काफी अच्छा खासा ट्रैक्शन बना हुआ है, रूरल डिमांड का बना हुआ है, और बड़े बड़े कस्टमर्स है, पतंजलि जैसे, एचयूएल जैसे, ये सारे और भी बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स इनके कस्टमर्स है, और इनफैक्ट बड़ा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग जगह स्ट्रैटेजिकली ये लोग अपने प्लांट्स लाते हैं, क्योंकि उससे इनको कस्टमर का एक्सेस जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नए नए लोग प्रोडक्ट्स भी डेवलप करते जा रहे हैं। और आज मुझे ध्यान है कि टाइम टेक्नोप्लास्ट शायद बंसल जी ने दिया है, और इस सेक्टर की कंपनी वाकई में बढ़िया लगने लगी है। और अब मैं देख रहा था मार्केट आउटलुक भी बढ़िया लग रहा है, आगे आने वाले दिनों में और बढ़िया करेगी। अब 20-28 के पी मल्टीपल पे 21% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देने वाली कंपनी, और 45% की कैगर प्रॉफिट में पिछले 3 साल के, और 20% से सेल्स की कैगर आ रही है। क्वार्टरली अपडेट्स देख रहे थे तो अच्छा खासा इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी है, 24 करोड़ के पैट के सामने 32 करोड़ का पैट था 2024 में जून में, और प्रोमोटर्स की तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है। और प्रोमोटर्स में अगर हम देखते हैं तो कुछ नाम ऐसे भी आ रहे हैं जिससे मेरे को और कॉन्फिडेंस आता है, और हर बार मैं बोलता हूँ, और वो नाम है सज्जन जी जिंदाल का, संगीता जी जिंदाल का और सज्जन जी जिंदाल का, जिससे मतलब हो सकता है कि उनके रिलेटिव्स की है कंपनी, इन लॉज की कंपनी है, बट वो इसमें है जहां तक मुझे ध्यान है। सो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी, एक अच्छी बैकग्राउंड वाली कंपनी, और काफी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी, अपना बिजनेस इंफ्रा को बढ़ाने वाली कंपनी, और आगे भी पोटेंशियल बढ़िया लगता है, और आउट परफॉर्मर है, इनफैक्ट मार्केट के साथ आउट परफॉर्म कर रही है, तो